हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जिसको भी चेस में इंप्रूव होना है गाइस, ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर देखना इस वीडियो को। आपको या फिर आपका बच्चा, आपकी बीवी, आपका घर वाला, कोई भी बाहर वाला जो भी है, जिसको भी चेस सीखना है, ये वीडियो जरूर देखना भाई। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो भाई, चेस सीखना कोई 10 दिन का एमबीए प्रोग्राम है नहीं। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आई होप कि तुम लोग को पीस मूव कैसे करते हैं और वो सब बेसिक बेसिक चीजें आती है। तो सबसे पहले आता है नोटेशंस। नोटेशंस क्या है ये सीखना है, क्योंकि जब आप नोटेशन सीखते हो ना, तब आपको चेकमेट इन वन या फिर टेक्निक सीखने में थोड़ा आसानी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिना नोटेशंस के सीख नहीं सकते। सीखे, बहुत लोग सीखे, हम भी सीखे, बट वो फिर आसान हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि नोटेशन पहले सीखो। तो गाइस, नोटेशंस के बाद आता है पीस वैल्यू। तो चेस में ना हर पीस का एक वैल्यू रहता है, और ये पीस वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों है ऐसे आपको लगेगा, राइट। पीस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपका एक फाइट है जिसमें आपके सामने 5 बंदे हैं और आप अकेले हो, तो कौन जीतेगा इसमें? ऑफकोर्स वो 5 बंदे जीतेंगे, राइट। तो वैसे ही चेस में रहता है। तो चेस में पीस वैल्यू क्या रहता है, जैसे कि पॉन को 1 वैल्यू रहता है, रूक को 5 रहता है, नाइट एंड बिशप को 3 रहता है, और क्वीन को 9 रहता है। किंग को वैल्यू नहीं रहता, बट किंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल पीस इन द गेम, क्योंकि उसको बचा के रखना पड़ता है। और ये वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आगे जाके जब आप पजल सॉल्व करोगे ना, तो आपको ये वैल्यू दिमाग में रखना है कि भाई नहीं, हाँ ये नाइट से रूक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्वीन है, बट ये सब पीसेस को अपने किंग को भी सेफ रखना है। तो ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसी इसीलिए पीस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन चेस। उसके बाद अब क्या करोगे? अभी उसके बाद आता है मेट इन वन। अभी हमको सीखना है चेकमेट एक मूव में कैसे करें। मान लेते हैं कि कोई यूट्यूब पे अपन ने एक वीडियो देखा और उस पे देखा कि भाई अभी चेकमेट इन वन सीखना है, तो वो कैसे करें इसको सीखना है नेक्स्ट। उसके बाद आता है गाइस, अभी नेक्स्ट आता है वो है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स में अभी बहुत चीजें आएगी, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि अपन चेकमेट इन वन में माहिर बन गए हैं, अपन का नोटेशंस भी अच्छा है। अभी हम सीखेंगे टैक्टिक्स। टैक्टिक्स में अभी बहुत चीजें आती है, जैसे कि पिन आता है, नाइट फोर्क आता है, डिस्कवर चेक आता है, डिस्कवर अटैक, डबल अटैक, एक्सरे, स्कीवर, ऐसे बहुत चीजें आती है टेक्टिक्स में। बहुत चीजें वो सब सीखनी पड़ेगी, उसका बेसिक बेसिक सीखना पड़ेगा। अपन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जैसे अपन चेकमेट इन वन सीख रहे हैं, चेकमेट इन 5 भी रहते हैं, चेकमेट इन 6 भी रहते हैं, पर अपन अभी के लिए बस चेकमेट इन वन ही सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अपन बिगिनर लेवल पे है ना, नाउ वी आर न्यू टू चेस, राइट। वैसे अभी आया पिन, आया रे, एक्सरे आया, नाइट फोर्क आया, स्कीवर आया, इसका सब हम बेसिक बेसिक सीखेंगे, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स होने के बाद तो अभी हमें क्वीन और किंग लेके चेकमेट करना है, वो कैसे सीखे। उसके उसके साथ हम ये भी सीख सकते हैं कि क्वीन रुक, किंग वर्सेस किंग, मतलब क्वीन रुक और किंग व्हाइट के पास है और किंग ब्लैक के पास है, और इसका चेकमेट कैसे करें। तो उसको कहते हैं क्वीन रुक चेकमेट, या फिर उसको लैडर चेकमेट भी कहते हैं। फिर अपन डबल रुक चेकमेट सीख सकते हैं। डबल रुक मतलब दो रुक हो गए और किंग होगा, और ओपोनेंट के पास एक किंग होगा, तो ये चेकमेट कैसे करें। कभी हमने सिखाया गाइस क्वीन चेकमेट, क्वीन रुक चेकमेट, रुक रुक चेकमेट, और अभी सीखना है हमें रुक और एक किंग के साथ कैसे हम करें चेकमेट। ये चीजें अगर आप सीखते हो गाइस, मैं बता रहा हूं, आपका रेटिंग अगर अभी आप 300 हो, तो आप आसपास कहीं तो 600-700 तक जा सकते हो। इसके बाद हमें सीखना है गाइस ओपनिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग्स में भी कुछ प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं, तो वो भी सीख सकते हैं। तो गाइस, अगर आप ये चीजें फॉलो कर सकते हो तो जरूर करना, और ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी। आप अगर ये सब एकदम सही तरीके से फॉलो करते हो, तो आप आसपास 800 से 1000 रेटिंग तक पहुंच सकते हो इजीली, ठीक है। अभी मान लेते कि अभी आपने ये सब किया है, तो अभी आपको आगे जाना है, तो आगे कैसे जाए, तो इसके लिए आपको करना होगा पजल सॉल्व। अभी हमने जो टेक्टिक्स बोला ना, पिन, नाइट फोर, इसको पजल्स ही कहते हैं।
ये सब पजल्स ही हुआ जो हम लोग ने अब तक किया है, बट अभी थोड़ा एडवांस करना पड़ेगा इस चीज को। तो ये कैसे करें, तो मैं बताऊंगा गाइस तुम लोग को एक बेस्ट सजेशन पजल सॉल्व करने के लिए। वो माने अपन जो मैंने टेक्टिक्स भी बोला था, जो पीन हुआ रे, नाइट फोर्क हुआ, इसके लिए ना गाइस मैं बताता हूं, आप लोग chess.com पे जाके कर सकते हैं। तो इसको कैसे करते हैं ये मैं दिखाता हूं तुम्हें, आ जाना यहाँ पे। तो गाइस सबसे पहली चीज आती है chess.com को लॉग इन करना, यहाँ पे chess.com। तो हम आ गए chess.com पे गाइस। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने ये ब्राउजर पे खोला है, ठीक है, क्रोम में खोला है। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, ये chess.com, यहाँ पे प्ले हुआ, पजल्स हुआ, तो ये अपन को खोलना है ये पजल्स। तो इसमें अभी देखो, इसमें यहाँ पे पजल्स रहते हैं, आप ये पजल सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अभी ऐसे पजल्स आएंगे आपको, अभी मेरा रेटिंग है, तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे पजल रश है, तो आपको 3 मिनट और 5 मिनट नहीं करना है, अपन को करना है सर्वाइवल गाइस। एंड ट्राई टू एटलीस्ट गेट 10 राइट, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो 10 राइट करना स्टार्ट करो, ट्राई करो स्लोली स्लोली। अभी यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है कि ये नाइट टेक्स बिशप करेक्ट है, क्योंकि ये क्वीन भी इस नाइट को सपोर्ट कर रही है, और अगर रूक मारेगा तो ये क्वीन वापस मारेगी। सो इससे क्या हो रहा है कि ओपोनेंट जो है वो एक पीस लॉस्ट हो रहा है। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, राइट? तो ऐसा अंडरस्टैंडिंग आने के लिए गाइस होता है उतना पजल करो। अगर एक पजल रॉन्ग होता है तो वो क्यों रॉन्ग होता है ये समझने का ट्राई करो। जब आप ये समझने का कोशिश करोगे ना, तभी आप इंप्रूव हो पाओगे। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे ये कर रहे थे, तो ये करेक्ट हुआ। अभी मान लेते कि ये एक और पजल आपको करके दिखाता हूं। अभी देखो यहाँ पे रुक C8 खेलने से चेकमेट हो रहा है, समझ, इसको कहते हैं बैक रैंक चेकमेट। तो जब आप पहले सबसे पहले टैक्टिक्स करोगे ना, तो आपको फिर समझ आएगा। आप जैसे चेकमेट इन वन मैंने बोला था, तो दिस इज गॉट चेकमेट इन वन है यहाँ पे, विच इज रुक C8। क्योंकि देखो अभी हमने रुक इधर खेला, तो किंग किधर जाएगा, किंग इधर आ नहीं सकता, इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता। और जैसे कि रुक चेक दे रहा है, तो किंग इधर नहीं आ सकता और इधर भी नहीं जा सकता ना, तो इट इज चेकमेट। तो ऐसे आप डेली पजल सॉल्व कर सकते हो। तो chess.com का कैसा है कि chess.com पे अगर आपको ज्यादा पजल सॉल्व करने हैं, तो आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेना पड़ता है, जो कि यहाँ पे ये देखो जैसे कि इधर है, इधर अपग्रेड बोल के है गाइस। तो अगर आपको रेगुलरली चेस करना है, तो यू कैन टेक प्रीमियम मेंबरशिप ऑफ chess.com, जैसे कि यहाँ पे है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका, तो आप वहां से भी क्लिक करके आप ले सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि अगर आपको सच में करना है, देन दिस इज द बेस्ट टू बाय एंड सॉल्व पजल्स गाइस। मैं अभी भी बता रहा हूं, ये कोई 10 दिन की चीज नहीं है, इसको टाइम लगता है, स्लोली एंड स्टेडीली आप इंप्रूव होगे भाई। कोई भी गेम हो, कोई भी स्पोर्ट हो, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप आज अगर विकेट कीपिंग सीखो, तो कल आप धोनी बन नहीं सकते। सीधी सीधी बात है भाई। यहाँ पे ना आप क्या कर सकते हो, इधर लर्न में जाके ना, इधर लेसन्स भी है गाइस, तो आप वो लेसन्स भी सीख सकते हो। तो ये स्पेशली आप जब प्रीमियम मेंबरशिप में ये लेसन्स मिल जाएंगे आपको सब। और ये देखो यहाँ पे ओपनिंग प्रिंसिपल्स, विनिंग द गेम, कैप्चरिंग पीसेस, फाइंडिंग सब कुछ सिखाया है इन्होंने, विच इज वेरी यूजफुल फॉर फॉर अ बिगिनर गाइस। जब आप बिगिनर हो ना, तो डायमंड मेंबरशिप, इनका प्रीमियम मेंबरशिप लेना बहुत वर्थ इट है। इट इज माई सजेशन। और कितना आता है भाई, सस्ता ही तो आता है। मतलब मान लेते हैं कि अगर आप कोचिंग ले रहे हो महीने का ना, तो एटलीस्ट यू विल हैव टू स्पेंड अराउंड 2,000 to 3,000 अ मंथ, एटलीस्ट मिनिमम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। उससे अच्छा है कि भाई आप पहले 650 का मेंबरशिप लो पहले महीने का, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा, तो आप ईयरली में ले लो भाई, ईयरली में आपको सस्ते में पड़ेगा। तो अगर आपको इम्प्रूव होना है, तो दिस आर द स्टेप्स गाइस वेर यू विल इम्प्रूव। और ये सब करके ना आप कहीं तो 1200 के आसपास पहुंच जाओगे गाइस, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सजेस्ट कर देना कि मैंने कौन से वीडियोस करने चाहिए इसके आगे। और मैं डेली रात को 10 बजे के बाद लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ, तो आप मेरा लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं एवरी डे लाइव स्ट्रीम करता हूँ गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू, बाय।